तो अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा को साइन टेन थीटा, सिकेन को सिकेन और को टेंजेंट थीटा, इन सब की बात करूँ तो ये फार्मूलाज आप पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही, आपको पता है ये इसके इक्वल होते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे ये बेसिकली फार्मूलाज ये आए कहाँ से हैं, मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है ये हमेशा साइन थीटा के इक्वल ही क्यों होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लेती हूँ, तो आपको पता है ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री। सबसे पहले तो इन तीनों को आप पहचान कर लें यहाँ पे कि 90 के सामने वाला जो होता है, 90 के सामने जो आपको ये नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अच्छा, उसके बाद बात आती है एंगल थीटा की। देखिए मैं दूसरी ट्राइंगल ड्रा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हो गया हमारा एंगल 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले को हमने कहा ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इस एंगल थीटा के लिहाज से देख रहे हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है आप एंगल थीटा इसको कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि वो वाली साइड जहाँ पे आप दोनों एंगल्स ले रहे हैं उसको यहाँ पे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। इसको आप बोलेंगे क्या, जहाँ पे दोनों एंगल्स आ रहे हैं इसको हम एडजेसेंट साइड, या हम इसको बेस भी कहते हैं। बेस आपकी ये ओल्ड बुक्स के अंदर आपको नज़र आएगा, बट आजकल जो अब हम यूज़ करते हैं न्यू बुक्स के अंदर वो एडजेसेंट साइड होती है। और जिस एंगल को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जो मेन हमारा एंगल है एंगल थीटा के साथ, जिस एंगल के लिहाज से हम देख रहे हैं उस एंगल के अपोजिट जो आपकी साइड होती है उसको आप क्या कहते हैं, ये हमारी अपोजिट साइड है। अब सेम इस एंगल के सामने देखें ये हमारी क्या है, अपोजिट साइड, या इसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये तो हमारी पहचान करना होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, 90 एंगल देखना है, एंगल के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद आप अपने मेन एंगल को देखें, एक्चुअल एंगल ये 45 हो सकता है, जितना भी आप वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो उस एंगल जहाँ पे दोनों एंगल लाए करें उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, और एंगल के सामने वाली जो मेन एंगल ले रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट आपकी जो होती है साइड उसको आप कहते हैं हमारा ये अपोजिट साइड है, या इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, मेन बात यहाँ पर ये आती है कि जो साइन थीटा है ये अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल ही क्यों होता है। तो ज़रा देखें, जैसे कि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हमने सर्कल की बात की थी, जैसे कि मैं सिंपल सर्कल की बात करूं, तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर हम इसके पूरे सर्कमफेरेंस को हम डिवाइड कर लें इस सर्कल के डायमीटर से। अच्छा, अब इसी टाइप का मैं कोई और सर्कल ले रहा हूँ, सेम इसके अंदर मैं सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर रहा हूँ डायमीटर से। अब मैं कोई और इससे भी छोटा मजीद ले लूँ सर्कल, इसके अंदर भी मैं इसके सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर लूँ इसी सर्कल के डायमीटर के साथ, तो फिर उसके बाद ये देखा गया कि इन तीनों की वैल्यूज़, ना सिर्फ इन तीनों की वैल्यूज़, जितने भी आप सर्कल ले लें उसके उसके सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेंगे जब आप डायमीटर से, तो ये वैल्यू फिक्स रहती है। ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 3.14 समथिंग, सेम इसका आंसर भी यही आएगा 3.14 समथिंग। और ये 3.14 ये जो समथिंग आ रहा है ये कभी स्टॉप नहीं होता, ये आपका स्वान जाता रहता है, मतलब जितना भी आप इसको डिवाइड कर लें डिवाइड करते रहें ये इसी वजह से आपके ये नॉन रिपीटिंग और इन्फिनिट नंबर्स आते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं हमारा इरेशनल नंबर आता है। और इस नंबर को बेसिकली नेम भी दिया गया पाए का। तो सेम एज इट इज़, सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें, तो जब यहाँ पे फ़िलहाल आप ऐसे समझ लें कि साइन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उससे पहले कि हम बात कर रहे हैं साइन को, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर आप आके देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरी राइट यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और उसके बाद मैं अपना ये वाला एंगल फिक्स कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये वाला मेरा एंगल जो है फॉर एग्जांपल ये हमारा कितना है 30 डिग्री है, चलें 60 ले लेते हैं, मैं कहती हूँ ये 60 डिग्री है। अच्छा, अब 60 डिग्री के सामने वाला आपको पता है ये क्या होता है, ये हमारा अपोजिट एंगल होता है, तो इसका फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ, या मैं बेस को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 कंसिडर कर लूँ, तो 1 जब ये फिक्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसको आप सॉल्व करके चेक कर लें, और इसके सामने वाला एंगल जो बनेगा वो 1.732 ये बनेगा। कहने का ये मतलब है आप कोई भी ट्राइंगल लें उसके एंगल को अगर आप फिक्स कर लें, मतलब एंगल उसका 60 डिग्री, आप इस तरह की और भी बहुत सारी आप ट्राइंगल्स ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ऐसी ट्राइंगल ये वाली ले लूँ। अब इसके अंदर भी मैं कहती हूँ ये मेरा एंगल तो वैसे फिक्स होता है 90 डिग्री है, अब इसके अंदर मैं 60 इस एंगल को मैं 60 ले लूँ, तो अब मैं बेस देखें मैं चेंज कर रही हूँ, बेस फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, मैं इसको 6 ले लूँ, तो इन दोनों को सॉल्व करें। इसको आपको पैथागोरस थ्योरम देखें ना कि ए स्केयर इक्वल होता है, या इसको सी स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब ये वाली साइड का स्केयर इक्वल होता है इस साइड और इस साइड का स्केयर, ये आप यहाँ से इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो
तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो होगी 5.196 आएगी। अच्छा, तो ये देखा गया कि एंगल आप 90, यहाँ पे तो वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आएगी, एंगल अगर आप फिक्स कर देते हैं मतलब यहाँ पे आप 90 डिग्री लेते हैं, तो अगर मैं इनकी रेशो फाइंड करूँ, मतलब कि अगर मैं 1.732 को डिवाइड कर लूँ 2 से। अच्छा, अब इस ट्राइंगल के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो इसका भी परपेंडिकुलर आप यहाँ पे अपोजिट साइड यहाँ पे ले लें, या उसको परपेंडिकुलर भी बोल दें कि मतलब 5.196 मैं यहाँ पे ले लूँ, और उसके बाद हमने क्या किया था, इसको लेके डिवाइड किया था उसके हाइपोटेन्यूस से, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया गया, इन दोनों का ही आंसर देखा गया कि आंसर जो है वो 0.866 एंड सो ऑन समथिंग आ रहा है। सेम इसका भी आंसर देखा गया कि 0.866 एंड सो ऑन आ रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, तो ऐसे आप हज़ारों लाखों इनफैक्ट इन्फिनिट आप ट्राइंगल्स लें जिसका एंगल आप फिक्स कर दें, होनी वो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, और उसके अंदर आप एंगल 60 डिग्री का फिक्स कर दें, और उसी के अंदर आप अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस की रेशियो फाइंड करें, तो एंगल 60 होने की वजह से उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा यही फिक्स वैल्यू आएगी। क्लियर होगी बात? तो इसी चीज़ को बस एक नेम दे दिया गया कि जब हम थीटा एंगल फिक्स करते हैं, अब एंगल थीटा हमने कितना फिक्स किया था, 60 डिग्री को फिक्स किया है, सेम यहाँ पे भी 60 डिग्री फिक्स किया। तो इसको भी प्रोग्रामिंग आप अगर जानते हैं तो प्रोग्रामर जो होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर भी आप आसानी से ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ उसके अंदर आपके कैलकुलेटर के अंदर फीड हुई हुई है कि जब भी आप साइन 60 डिग्री यहाँ पे फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर जो होता है वो सेम यही आता है। क्लियर होगी बात? सेम इसी तरह अगर मैं अपने एंगल को 60 डिग्री यहाँ पे फिक्स कर दूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करूँ तो उसका भी आंसर आपके पास फिक्स होगा। सेम इसी तरह बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास वैल्यूज़ हैं, मतलब एक ये होगी, एक ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनकी डिफरेंट रेशो, पहले इसको इसके साथ डिवाइड करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें, ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड करें, तो ये 6 आपकी रेशोज़ बनेगी। उन 6 रेशोज़ को जस्ट देखा गया कि वैल्यूज़ वो सेम दे रहे हैं जब एंगल आपका फिक्स हो जाए 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यूज ही आती हैं। अब सेम इसी तरह एंगल अगर मैं यहाँ पे 60 की जगह मैं कुछ और एंगल फिक्स कर दूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे एंगल को अपने एंगल को यहाँ पे 30 डिग्री फिक्स कर दूँ, तो वहाँ पे भी वैल्यू, इनफैक्ट जब ये 30 डिग्री फिक्स होगा और उस तरह की जितनी भी मैं ट्राइंगल्स लूँगी, एंगल मेरा फिक्स होने की वजह से, 30 डिग्री फिक्स होने की वजह से उसकी वैल्यू अगेन, जैसे इसकी वैल्यू 0.8661 जा रही थी, तो उसकी वैल्यू भी कुछ फिक्स आएगी। तो इट मींस कहने का ये मतलब है आप कोई भी ट्राइंगल लें, अगर उसका एंगल फिक्स हो रहा है, मतलब एंगल कुछ भी आपका हो रहा है, चाहे वो 45 डिग्री हो रहा है या 120 हो रहा है या 30 डिग्री हो रही है, कुछ इस तरह की आ रही है, तो किसी भी टाइप की आप ट्राइंगल लें तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन 30 की वैल्यू सेम वही रहेगी, चाहे आप इसकी लेंथ देखें डबल कर दें तो ऑब्वियसली इसकी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, इतनी ट्राइंगल बन जाएगी, बट वो एंगल उतना ही रहना चाहिए, एंगल 60 ही रहना चाहिए, चाहे इस ट्राइंगल का आप देखें तो फिर भी वैल्यू आपके पास 0.866 ही आएगी। क्लियर हुआ? तो ये आपके थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब आप इनको याद रख लें कि जब भी आपने साइन थीटा फाइंड करना है तो इसके अंदर आप अपोजिट साइड को डिवाइड करते हैं हमेशा हाइपोटेन्यूस से, कोसाइन थीटा जिसको आप कॉस भी बोलते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी डिवाइजर में हाइपोटेन्यूस ही होता है दोनों में, जस्ट ये डिफरेंस है यहाँ पे एडजेसेंट साइड आती है, साइन के अंदर अपोजिट साइड आती है। तो इन सारे एंगल्स को आप यहाँ पे याद रख लें, इनफैक्ट यहाँ पे इनको यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो आज का लेक्चर होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट मेरा यही पर्पस था कि आपको बताना था कि आप ये आपका साइन थीटा, जो कोसाइन थीटा, टैन थीटा, ये सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं, ये जनरेट कहाँ से हुए, ये आए कहाँ से। तो अगेन मैं रिकॉल कर दूँ, जब दो साइड्स को डिवाइड किया गया, एंगल फिक्स रखा गया, ट्राइंगल चाहे वो बहुत छोटी हो बहुत बड़ी हो, जैसे सर्कल के केस में था, एंगल फिक्स जब था तो चाहे वो जितनी छोटी जितनी बड़ी ट्राइंगल या जिस भी साइज़ की वो ट्राइंगल थी, एंगल 60 जब भी देखा गया, दो रेशियोज़ को डिवाइड किया गया, हालांकि देखिए यहाँ पे एंगल 60 अगर मैं इसकी ये वाली साइड भी डिवाइड करूँ, इसमें एंगल भी 60 अगर मैं इसका ये फाइंड करूँ, मतलब एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो दोनों ट्राइंगल के लिए आंसर इसका सेम आएगा। तो वहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए गए। क्लियर हुआ? तो होप्स आज के लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई मसला कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।